नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि कृषि कानून के खिलाफ पास बिल किसानों के साथ धोखा है। पंजाब सरकार ने गेहूं और धान के अलावा बाकी फसलों की खरीद की जिम्मेवारी खुद नहीं ली। धनखड़ ने कहा कि क्या पंजाब सरकार किसी सरकारी दुकान के जरिए अंतिम खरीदार के तौर पर फसल खरीदेगी। जो प्रावधान पंजाब ने किया उसमें किसान को आश्वस्त नहीं किया जा सकता, जरूरत के समय उसका अनाज कौन खरीदेगा। ओपी धनखड़ ने कहा कि पंजाब सरकार का ये कानून बस बयान मात्र है जो राजनीति से प्रेरित है। इस कानून से पंजाब के तमाम अनाज व्यापारी और किसानों के बीच का विश्वास खत्म होगा। आने वाले समय में किसानों को परेशानी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर धनखड़ ने कहा कि पिछले चुनाव में हमने 3 खिलाड़ियों को मौका दिया था जिसमें संदीप सिंह जीते थे, आज मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से खिलाड़ी को मौका दिया। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए धनखड़ ने कहा कि लोग नामांकन भरने के समय फोटो करवाते थे, पर यह पहली बार देखने को मिला कि नामांकन वापस लेने के वक्त भी लोगों में फोटो खिंचवाने की होड़ लगी। पंजाब में एमएसपी से कम कीमत पर देने पर सजा का प्रावधान, 3 साल तक की जेल हो सकती है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ अमरिंदर सरकार ने बिल पेश किया। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब सरकार के विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव का फतेहाबाद में किसानों ने स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि पंजाब सरकार किसानों के दबाव में यह प्रस्ताव लेकर आई है और किसान इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। किसानों के इस प्रस्ताव को किसानों के आंदोलन की बहुत बड़ी जीत बताया गया। कहा कि हरियाणा सरकार को भी पंजाब सरकार की तर्ज पर इस तरह का फैसला लेना चाहिए। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। अंबाला में किसान पराली ना जलाएं, इसको लेकर सरकार ने एक और कदम उठाया है। जो किसान पराली नहीं जलाएंगे उन्हें पर एकड़ 1,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अंबाला में किसानों को पहले ही 500 रुपए पर एकड़ पराली बेचने के मिल रहे थे, अब किसानों को पराली न जलाने पर 1500 रुपए पर एकड़ पर बचेंगे। किसानों ने सरकार के इस फैसले को बेहतर बताया है। यमुनानगर में धान की खरीद शुरू हुए काफी अरसा बीत गया, लेकिन अभी तक किसानों और आढ़तियों की धान की पेमेंट नहीं हुई है, जिसके चलते किसान और आढ़ती दोनों परेशान। जगाधरी अनाज मंडी के आढ़ती और किसान पिछले कई दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों के यहां चक्कर लगा रहे हैं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि बुधवार से पेमेंट शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भी पेमेंट शुरू नहीं। भिवानी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने दिवाली के समय में टैक्स की चोरी करने वाले लोगों पर अंकुश लगाने की कोशिश की है। टीम ने सीआईडी के साथ मिलकर ऐसे ट्रक को रोका है जो बिना टैक्स के दिए सामान को इधर उधर कर रहा था। टीम ने ऐसे 4 ट्रक को पकड़ा है, उनकी जांच चल रही है। टीम का यह भी मानना है कि दिवाली पर मिलावटी सामान भी कुछ लोग इधर उधर ले जाते हैं और इसकी चेकिंग भी की जा रही है। यमुनानगर में नकली देसी घी की सूचना पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा और सैंपल लिए। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि एजेंसी में बाहर से नकली घी की सप्लाई होती है। सीएम फ्लाइंग टीम ने छापा मारा तो मौके से भारी मात्रा में देसी घी मिला। मौके पर मालिकों ने कच्चे बिल की कॉपी पेश की है, स्टॉक के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं दी है, जिसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और सैंपल लेने की कार्रवाई की। झज्जर में सीएम फ्लाइंग ने सब्जी मंडी के सामने डेयरी पर छापेमारी की। डेयरी में बगैर लेबलिंग के सोया सॉस बेचा जा रहा था। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जब सॉस को देखा तो उनके होश उड़ गए। अधिकारियों ने जब डेयरी मालिक से जानकारी लेनी चाहिए तो इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अधिकारियों ने सॉस की 9 पेटी कब्जे में लेकर उनकी सैंपलिंग के लिए भेज दिया गया। कैथल में शेरगढ़ रोड पर नकली देसी घी के गोदाम में सीएम फ्लाइंग ने रेड किया। इस दौरान काफी मात्रा में डुप्लीकेट मार्का गोपाल के 907 डिब्बे बरामद। गुरुग्राम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मॉक ड्रिल किया है। औद्योगिक आपदा इमरजेंसी को लेकर यह मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और प्रशासन ने हिस्सा लिया है। फतेहाबाद में पुलिस ने धान की पराली जलाने के मामले में 21 किसानों पर केस दर्ज किया। जिन किसानों पर धान की पराली जलाने के केस दर्ज किए गए हैं उनमें एक महिला भी शामिल। डीएसपी ने बताया कि प्रशासन ने धान की पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए धारा 144 लगाई हुई है। इन किसानों ने पराली जलाकर धारा 144 का उल्लंघन किया है, जिसके बाद पुलिस ने सभी को नामजद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में स्मृति दिवस कार्यक्रम में शिरकत की है। वॉर मेमोरियल पर माल्यार्पण कर पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। पुलिसकर्मियों के आश्रितों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 50 पुलिसकर्मियों के परिवारों को एक एक सदस्य को राज्य सरकार की एक्स ग्रेशिया योजना के तहत सरकारी नौकरी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि शहीद एसपीओ कप्तान सिंह के परिवार को भी एक्सग्रेशन राशि के बराबर 30 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी और दोनों जवानों की गश्त के दौरान असामाजिक तत्वों के हमले में जान चली गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहादुर जवानों के असामयिक निधन के बाद ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके परिवार की देखभाल करे और ये सुनिश्चित करे कि असामयिक निधन के कारण उनके जीवन में खालीपन महसूस न हो। मुख्यमंत्री ने कोरोना को रोकने में हरियाणा पुलिस की भूमिका की सराहना की है। कहा है कि 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कोरोना से प्रभावित हुए, उनमें से 6 ने अपनी जान गंवा दी। गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि जो भी किसानों के हक में होगा वही करेंगे, बिल मंगवाकर पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या पास किया। अभी ये भी देखना होगा कि कोई राज्य सरकार से इस तरीके से नहीं कर सकता। कुमारी शैलजा के बीजेपी पर झूठ बोलने की ट्रेनिंग देने वाले बयान पर पलटवार करते हुए विज ने कहा है कि सारी दुनिया जानती है कि झूठ कौन बोलता है, सभी जानते हैं कि झूठ राहुल गांधी और कांग्रेस ही बोलती है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी हैं। पंजाब और राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया है। जेपी दलाल ने कहा है कि कृषि कानूनों पर पंजाब और राजस्थान सरकार झूठ फैलाकर नौटंकी कर रही है। पंजाब ने एमएसपी को लेकर सजा का प्रावधान किया और ऐसे में राजस्थान की पूरी सरकार को सजा होनी चाहिए। जेपी दलाल ने कहा कि कर्ज माफी की तरह पंजाब और राजस्थान सरकार कृषि कानूनों पर झूठ बोलकर ढोंग कर रही। किसानों के हित में हरियाणा सरकार पूरे देश में सबसे बेहतर काम कर रही। बड़ौदा उपचुनाव पर कांग्रेस की जीत के दावे और राजनीतिक समीकरण बदलने के दावों पर जेपी दलाल ने कहा कि परिणाम जनता देगी, लेकिन उन परिणामों का सरकार पर नहीं बड़ौदा के विकास पर असर पड़ेगा। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि बड़ौदा की जनता विकास चाहती है, इसलिए जनता उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को विजयी बनाने का मन बना चुकी है। सुभाष बराला ने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार तेजी से विकास कार्य करवा रही है और नई कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया जा रहा है। दोनों पार्टियों के गठबंधन को प्रदेश भर में समर्थन मिल रहा है। प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा पंजाब सरकार का विधानसभा में तीनों कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करना सराहनीय कदम, हरियाणा सरकार को भी एमएसपी रेट पर खरीद करने की गारंटी कानून बनाना चाहिए। बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार के फसल के एमएसपी रेट जरूर तय किए जाएं, मगर कानून लाने से किसानों की परेशानी दूर होगी। किसान और आढ़ती पहले ही भारी संकट से गुजर रहा है। नारनौंद के गांव मिलकपुर में पराली जलाने से रोकने गए दो पटवारियों को ग्रामीणों ने स्कूल में बंधक बना दिया। गांव वालों ने कहा कि जब तक उच्च अधिकारी नहीं आएंगे जब तक पटवारी नहीं छोड़े जाएंगे। पटवारी गांव मिलकपुर में हरसे की लोकेशन के आधार पर मौके पर पहुंचे थे। गांव वालों ने 4 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। सिरसा में सरकार पराली नहीं जलाने पर किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ उनके खाते में देगी, बशर्ते कि किसानों को वो प्रणाली की गांठे बनाकर उसे पंचायत की जगह गौशाला या फिर जिस संस्था को पराली बेच रहे हैं उससे बिल लेना होगा। किसान बिल को पोर्टल पर अपलोड करेगा, सरकार उसके खाते में 1000 रुपये प्रति एकड़ की राशि भेजेगी। कृषि कल्याण विभाग के अधिकारी ने बताया कि उनके पास सरकार के आदेश आ रहे हैं। जाखल से टोहाना वाया कासमपुर जाने वाली सड़क का पिछले करीब 1 महीने से बुरा हाल है। जनस्वास्थ्य विभाग की तरफ से गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है, मिट्टी सड़क के दोनों तरफ फेंकी गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग की। राहगीरों का कहना है कि रोड से निकलना मुश्किल हो गया है, कई बार धान से भरी ट्रॉली गड्ढों में फंस चुकी है जिससे निकलवाने के लिए 1000 रुपये देने पड़े। हिसार में ऑब्जर्वेशन होम से फरार हुए 17 कैदियों में से 7 को पकड़ा गया। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इन कैदियों की मर्डर मामले में गवाह को मारने की प्लानिंग थी। एसपी ने बताया कि उन्होंने एटीएम लूट का भी प्लान तैयार किया है। बाकी बचे बाल अपराधियों को जल्द ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस कमेटी की जांच में सामने आया मुलजिमों ने अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभाई, 4 को सस्पेंड किया गया। जज्जर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दो बाइक पर सवार होकर आए 5 नकाबपोश बदमाशों ने गांव माचरौली के पंजाब नेशनल बैंक से 7 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिए जाने के पहले बैंक के बाहर फायरिंग की और बाद में गेट पर मौजूद गनमैन से गन छीन ली। बैंक की महिला कैशियर से पैसे लूट लिए गए और फरार हो गए। चरखी दादरी के कल्याणा रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ है। एक महिला की मौके पर मौत हो गई और 2 की गंभीर हालत में पीजीआई रेफर किया गया है।
हादसे को लेकर परिजनों का कहना है कि सभी पशुओं का चारा लेने के लिए वो जा रहे थे और ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। परिजनों ने सरकार से आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की मांग की। यमुनानगर शहर प्रदूषण के मामले में देश में पहले नंबर पर आ गया है। यमुनानगर की एयर क्वालिटी 345 दर्ज की गई है, जो देश भर में सर्वाधिक, और इसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कई कदम उठाए। कंस्ट्रक्शन वर्क प्रदूषण बढ़ने का एक बड़ा कारण सामने आया है। रेत और सीमेंट ले जाने वाले वाहन भी प्रदूषण की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। लगातार बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि प्रदूषण दूर करने के लिए सभी को योगदान देना होगा। हर साल की तरह इस बार भी रेवाड़ी में प्रशासन ने ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर एक दिवसीय सेमिनार किया है, जिसमें जिले की तीनों कमेटीज और नगर परिषद के कर्मचारियों, वार्ड पार्षदों ने हिस्सा लिया। सफाई कर्मचारियों ने एसडीएम और बाकी अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखते हुए कहा कि वो भी चाहते हैं कि जिला साफ सुथरा हो, लेकिन सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कर्मचारियों की कमी है, जल्द नई भर्ती की जाए। सिरसा में रोडवेज डिपो में हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। कोरोना काल के दौरान 7 महीने से स्कूल बंद था और इसी के चलते आवेदकों की वेटिंग लिस्ट 2530 तक पहुंच गई। स्कूल खुलने से हैवी व्हीकल लाइसेंस लेने के इच्छुकों को राहत मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। 7-7 बसों के 2 ग्रुप बनाकर ट्रेनिंग दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में अंडर 19 नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम के फाइनल मुकाबले में दिल्ली की टीम को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया है। होटल पहुंचने पर लोगों ने खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत। हिमाचल की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में 6001 मीटर ऊंचे देव टिब्बा पहाड़ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही वरुण मेहता ने चढ़ाई कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वरुण पहले भी हिमाचल, अरुणाचल, महाराष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहाड़ों पर चढ़ाई कर चुके हैं। भिवानी पहुंचने पर वरुण का खेल प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया, उनकी उपलब्धि पर गर्व जताया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही वरुण मेहता ने बताया कि उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। पानीपत की पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी प्रीति त्यागी इन दिनों प्रैक्टिस के साथ साथ बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रही हैं। प्रीति का कहना है कि सरकार मुश्किल वक्त में खिलाड़ियों की मदद करे। गुरुग्राम पुलिस ने सरकटी लाश का खुलासा करते हुए ब्लाइंड मर्डर केस में मृतक संदीप के मामा को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो अवैध संबंधों के शक के चलते इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि संदीप पर शक था कि उसके नाजायज ताल्लुकात उसकी बीवी से हैं। उसने पहले संदीप को शराब पिलाई, उसके बाद धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। सोनीपत के सेक्टर 23 में पार्क में दीवार के पास प्लास्टिक के बोरे में युवक का बिना धड़ का शव मिला है और शव को पेट से ऊपर का हिस्सा गायब है। पुलिस ने आधे हिस्से को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। लोग पार्क में घूमने गए तो बोरा देखकर शक हुआ, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बोरे को खोलकर देखा तो मामले का पता लगा। बिना धड़ के शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। पलवल में मारपीट के मामले में समझौता करवाने और जान से मारने की नीयत से गोली मारकर पीड़ित के खिलाफ ही झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। 4 आरोपियों को काबू किया। डीएसपी ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपियों ने सारे मामले का खुलासा किया है। 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। रादौर के गांव रपड़ी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। खनन सामग्री से लदे तेज रफ्तार ट्रक चालक ने सामने से आ रहे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार ने मौके पर दम तोड़ दिया। हादसे के बाद चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। ओवरलोड वाहनों के कारण आए दिन हादसे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन इन पर लगाम लगाने में कामयाब नहीं हुआ। फतेहाबाद में व्यापारी ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। व्यापारी ने आत्महत्या से पहले 4 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने अपने दुकान के 2 पार्टनर्स पर मौत को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर दोनों दुकान पार्टनर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया। पलवल में 3 युवकों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर नाबालिग लड़की का अपहरण किया है और ओमिक सिटी से लाकर उसका गैंगरेप किया। आरोपी पीड़िता को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिकायत में बताया गया कि पीड़िता घर में सोई हुई थी, तभी युवकों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर वारदात को अंजाम दिया है। कैथल के गांव खेड़ी गुलाम अली के पास प्रेमी जोड़े ने जहर निगल लिया, जिसमें युवक की मौत हो गई है। युवती की हालत गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में दाखिल करवाया गया।
घटना के बाद परिजनों ने युवती को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद युवक ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किए, जिसमें दोनों ने अपनी सहमति से जहर निगलने की बात कही। अंबाला की सेंट्रल जेल में हवालाती की अचानक से तबियत बिगड़ने से मौत हो गई है। जांच में जुटी पुलिस ने बताया 37 वर्षीय अजय को पंचकुला से अंबाला जेल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक अजय की दिन में तबियत खराब होने पर उसे अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल लाया गया। इलाज के बाद उसे वापस जेल भेज दिया गया, लेकिन दोबारा तबियत खराब हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नवरात्र के व्रत में खाए जाने वाले कुट्टू के आटे से लोगों की तबियत बिगड़ गई है। लोग बदन दर्द, उल्टी, खांसी की शिकायत कर। करनाल में सीएम प्लाइंग ने कई दुकानों पर छापेमारी की है। सीएम प्लाइंग की टीम ने कुट्टू के आटे के सैंपल लिए हैं। कुट्टू का आटा खाने से 30 लोग बीमार हुए थे। नीलोखेड़ी के गांव गोंदर और निसिंग में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई जगहों पर रेड करते हुए मिठाई सहित बाकी खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की है। 100 किलो खराब रसगुल्लों को नष्ट करवाया। चरखी दादरी के गांव मोरवाला में सीएम फ्लाइंग ने छापामार कार्रवाई की। मिठाई की दुकानों से सैंपल लिए गए और जांच के लिए भेजे गए। सीएम फ्लाइंग के सदस्य ने बताया कार्रवाई के दौरान बर्फी, रसगुल्ले और घी के सैंपल लिए गए। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ रोकने के लिए त्योहारी सीजन में आगे भी छापे मारे जाएंगे। कैथल में पति पत्नी के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि गुस्से में पति ने पत्नी की गर्दन काटकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी के बीच कई महीनों से मनमुटाव चल रहा था और जिसके बाद पति ने धारदार हथियार से वार कर पत्नी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। यमुनानगर में तेज रफ्तार कैंटर पोल से टकरा गई, जिससे बिजली की तारें टूट गई। गनीमत रही इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पंचकुला में महिला आयोग ने रेलवे स्टेशन पर दयनीय हालत में पड़ी एक महिला का रेस्क्यू किया है। महिला मुंबई से पंचकुला पहुंची। अंबाला में नगर परिषद के अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में अधिकारी रिश्वत लेता दिखाई दे रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि 13 साल से म्यूटेशन को लेकर चक्कर काट रहा है। गुरुग्राम में इंस्पेक्टर पर फायरिंग कर फरार हुए कुख्यात बदमाश दीपक को सोनीपत नारकोटिक्स सेल टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। क्रॉस फायरिंग में दीपक को भी गोली लगी, जिसके बाद उसे सिविल अस्पताल लाया गया। वहां से रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। नवरात्रों के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की गई। यमुनानगर में माता का भवन सजाया गया। मंदिर में श्रद्धालुओं ने मन्नत मांगी कि जल्द ही कोरोना समाप्त हो और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। कोरोना का असर रावण पर दिखा। इस बार लंबे चौड़े रावण की जगह छोटा रावण बनाया जाएगा। इस बार करीब रावण की ऊंचाई करीब 6 फीट कम की जाएगी। टोहाना की पुरानी सब्जी मंडी में हनुमान राम नाटक क्लब के सदस्यों ने कोरोना काल के चलते इस बार रामलीला नहीं बल्कि सुंदरकांड का पाठ करने का निर्णय किया। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,52,000 के पार। 24 घंटे में 940 नए केस मिले। सबसे ज्यादा 235 मामले गुरुग्राम से सामने आए। फरीदाबाद में 109, हिसार में 88, रेवाड़ी में 61, महेंद्रगढ़ में 54 नए केस सामने आए। सिरसा में कोरोना संक्रमण के 36 नए केस मिले हैं। 36 मरीज ठीक भी हुए हैं। जिले में अब तक 393 केस एक्टिव। करनाल में एक दिन में सामने आए कोरोना के 22 नए केस। 24 घंटे में ठीक हुए 25 मरीज। जिले का रिकवरी रेट हुआ 96%। पंचकुला में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में मरीज ने तोड़ा दम। अब जिले में मौत का आंकड़ा 107 हो गया है। नूह में भले ही कोरोना के केसेस की संख्या कम हुई हो, लेकिन कोरोना से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 91 वर्षीय महिला की मौत हो गई है और जिले में कोरोना से अब तक 26 मरीजों की जान जा चुकी है। नूह में 24 घंटे में एक केस सामने आया। 10 मरीज डिस्चार्ज किए गए। अब तक 1,208 केस मिल चुके हैं। 44 केस अब भी एक्टिव हैं। देश में कोरोना पर लग रहा है लगाम। 24 घंटे में सामने आए 54,044 नए केस। 717 मरीजों ने जान भी गंवाई।